हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लगभग इसमें 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 100 तो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए इससे इंटरलिंक जो भी जो चीज़ें होंगी, जो जो क्वेश्चंस होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, उनको हम इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। हमारा आरबी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बंडे एग्जाम्स की, सारी एसएससी एग्जाम्स की अपडेट के लिए। ये हमारी प्लेलिस्ट हैं जिससे आप अपनी तैयारी के लिए आप देख सकते हैं जो जो एग्जाम्स के लिए जो जो अपडेट हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सारे सब्जेक्ट्स की, अलग अलग चीज़ों की, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ई बुक्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है, नाम है कौन? हीरा लाल समारिया। क्लियर है पहला क्वेश्चन CIC। तो मैं CIC के बारे में आपको डिस्कस करता हूं। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में CIC कब बना? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, एक बॉडी है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्लियर है, ये RTI एक्ट आया था 2005 में, सुना होगा आपने, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करना आपका फंडामेंटल राइट घोषित किया गया, लीगल राइट घोषित किया गया कि आपको किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार होगा। आप सुनते होगे, आप RTI फाइल करते हैं, तो RTI एक 2005 के अंतर्गत ये बॉडी बनाई गई जिसका नाम है CIC। CIC में 10 मेंबर्स होते हैं और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये 10 सदस्यीय बॉडी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी इनके नामों की रिकमेंडेशन करती है। क्लियर है, और इस एक्ट में कहा गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, साथ ही साथ स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होंगे। तो ये दो चीजें बनाई गई इस कानून के द्वारा, RTI एक्ट 2005 के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और ये RTI एक्ट सूचना प्राप्त करना, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त करने का अधिकार, फंडामेंटल राइट जो घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 19 के अंतर्गत, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, उसी में प्रेस की फ्रीडम है, उसी में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा IISR चंद्रा क्या है? क्या है भैया? न्यू वैरायटी ऑफ ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च की नई वैरायटी है, काली मिर्च की नई किस्म डेवलप की गई है किसके द्वारा? इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा, जिसका नाम है चंद्रा, IISR चंद्रा, या फिर केवल चंद्रा पूछे तो आप आंसर दोगे क्या है, मसाले की काली मिर्च की नई किस्म है। अगला, 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उनका नाम है पॉल लिंच। किसे दिया गया है भैया? बुकर प्राइज बहुत फेमस रहते हैं बंडे एग्जाम में, पॉल लिंच। क्लियर है, अगला, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट कहां पे बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है? कहां? यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर अल दाफरा में। विश्व का सबसे बड़ा सिंगल साइट मतलब एक जगह लगा हुआ सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट, भारत का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? मेड इन इंडिया है मतलब MKI है, मेक इन इंडिया है, भारत में बना है AI सुपर क्लाउड। सुपर क्लाउड मतलब क्लाउड, आप जानते हो क्लाउड सर्विस, AI सुपर क्लाउड किसके द्वारा? नैब क्लाउड। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? नैब क्लाउड के द्वारा। अगला, रिसेंटली डिस्कस्ड माधवपुर फेयर, माधवपुर मेला आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, अलग अलग टाइप के फेयर, माधवपुर मेला अलग अलग टाइप के फेयर लगते हैं, महोत्सव फेस्टिवल्स होते हैं, माधवपुर मेला किस राज्य से संबंधित है? आंसर है क्या? गुजरात राज्य से संबंधित है माधवपुर मेला।
गोवा में नेशनल गेम्स हुए, क्लियर है? कौन सा मैं लिख दे रहा हूं, 37th नेशनल गेम्स हुए हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अभी आप देखोगे दिल्ली में पहले पैरा नेशनल गेम्स हो रहे हैं। फर्स्ट पैरा मतलब जो विकलांग, जो दिव्यांग लोग हैं, जैसे पैरालंपिक होते हैं वैसे ही दिव्यांगों के लिए पैरा नेशनल गेम्स शुरू किए गए हैं। पहला पैरा नेशनल गेम्स कहाँ हो रहा है? 2023 में दिसंबर में कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि गोवा में राष्ट्रीय खेल जो हुए 37 नेशनल गेम्स, जिसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा पदकों के मामले में, इसमें कौन से पुरुष एथलीट को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार दिया गया? उनका नाम है श्री हरि नटराज। क्या नाम है? श्री हरि नटराज। अगला, कौन सा कंट्री परमानेंट, उसने किस कंट्री ने अपना परमानेंट डिप्लोमेटिक मिशन, राजनयिक मिशन बंद कर दिया है इंडिया में? तो आपको पता होगा अफगानिस्तान ने अपना स्थायी जो राजनयिक मिशन था वो बंद कर दिया है। अगला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता, 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 डायलॉग है दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री एक साथ बैठेंगे, तो दो एक तरफ से हो गए और दो एक तरफ से हो गए, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों बैठते हैं तो चार हो जाते हैं। 2+2 डायलॉग भारत का ऑस्ट्रेलिया के बीच कहां हुआ है? न्यू दिल्ली में। किन किन देशों के साथ इंडिया करता है 2+2 डायलॉग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडिया करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ लिखा है, जापान के साथ करता है, यूएसए के साथ करता है, रसिया के साथ करता है, ये चार देश हैं जिसके साथ हम 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, और फ्रांस के साथ ये वार्ता के दौर में। अगला, यूनेस्को ने हाल ही में, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनेस्को, जो एक एजुकेशन साइंटिफिक मतलब साइंस एंड कल्चर के रूप, कल्चर के रीजन फील्ड में काम करती है ना, शिक्षा के, विज्ञान के और संस्कृति के फील्ड में काम करती है ये यूनेस्को की बॉडी, यूएन, यूनाइटेड नेशन की बॉडी यूनेस्को। इंडिया का फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, भारत का पहला साहित्य शहर, साहित्यिक शहर किस घोषित किया है, किसको? कोजी कोड को। कहां पर है ये? केरला में है। केरला के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। हाल ही में चर्चा में रहा बोनालू उत्सव। और केरला से एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहां पर विजिंगम पोर्ट बनाया जा रहा है। कहां पर? केरला में। भारत का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल पोर्ट होगा ये, सबसे ज्यादा कार्गो कैपेसिटी वाला पोर्ट होगा विजिंगम पोर्ट। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में ना बोनालू, बोनालू फेस्टिवल कहाँ है? तेलंगाना का है। तेलंगाना में अभी चुनाव हुए और वहां पर रेवंत रेड्डी जो है वहां के सीएम बने हैं, कांग्रेस की सरकार बनी है तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी वहां के सीएम बने हैं। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। अगला, सचिन तेंदुलकर स्टैचू कहां पर अभी रिसेंटली अनवील किया गया, अनावरण किया गया? आपको पता होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जहां पर पहला वर्ल्ड कप का क्या हुआ, भारत का सेमीफाइनल हुआ था। अगला, कॉमेडी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेडी के फील्ड में इंटरनेशनल एमी अवार्ड, एमी अवार्ड किसको दिया गया है? पहला भारतीय जिसको मिला है वीरदास, इनकी एक नेटफ्लिक्स पे या अमेजन प्राइम पे वेब सीरीज है कॉमेडी के फील्ड में, उसको दिया गया है। अभी COP28 किसकी COP? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पूरा टॉपिक मैंने COP28 का, करंट अफेयर का पूरा टॉपिक, जो GS की मेरी शॉर्ट वीडियोस की जो सीरीज चल रही है, जिसमें मैं स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर के सारे चीज़ों को, पॉलिटिक, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, हिस्ट्री, इन सबको लेके चल रहे हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग कहाँ पे हुई है? UAE में हुई है, दुबई में, दुबई डिक्लेरेशन साइन हुआ है। COP इससे पहले वाली कहाँ हुई थी वो मैंने बताया है, उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों मिलते हैं ये। शर्म अल शेख में हुई थी, इजिप्ट में, मिस्र में हुई थी।
और भारत में मोदी जी ने इसमें प्रस्ताव दिया, मोदी जी इस मीटिंग में गए थे, इन्होंने बोला कि हम भारत में पहली बार 2028 में होगी COP 33, पहली बार भारत में इसका COP का आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली में। जिस तरीके से G20 का पहली बार आयोजन हुआ, 2028 में भारत में COP का 33वीं COP का आयोजन किया जाएगा। विश्व का पहला हिमखंड का क्या नाम है जो अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है? विश्व का पहला नहीं, लार्जेस्ट है ना, वर्ल्ड फर्स्ट आइसबर्ग, और लार्जेस्ट भी है ये, बहुत बड़ा आइसबर्ग है, सबसे बड़ा आइसबर्ग है, अंटार्कटिका से टूट के अलग हो गया, A3A है ना, A23A, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, A23A इसका नाम है, जो अंटार्कटिका से, आपको पता है अंटार्कटिका पूरा एक कॉन्टिनेंट है जो आइस से कवर्ड है, बर्फ से घिरा हुआ है, उसका बहुत बड़ा आइसबर्ग है, बर्फ का टुकड़ा है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल बोगोटा डेक्लेरेशन, ग्लोबल बोगोटा डेक्लेरेशन किससे संबंधित है क्वेश्चन पूछ रहा है ना। बोगोटा डेक्लेरेशन किससे है? रिवर डॉल्फिन्स के प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना, जैसे COP क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हो रहा है, वैसे ही बोगोटा में एक डेक्लेरेशन साइन हुई है। और बोगोटा किसकी कैपिटल है? बोगोटा कैपिटल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बोगोटा कैपिटल है साउथ अमेरिका का लैटिन अमेरिका का देश है कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है कोलंबिया, उसका कैपिटल है बोगोटा। वहां पे एक डेक्लेरेशन साइन हुई है, जैसे COP यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 28वीं हुई थी, वैसे ही रिवर डॉल्फिन को प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए। किस पहली महिला भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? पहली महिला भारतीय क्रिकेटर है जो ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं, डायना इडुलजी नाम है, फोटो आपके सामने लगा हुआ है, क्लियर है। पुरुषों में ICC हॉल ऑफ फेम में बहुत सारे क्रिकेटर शामिल हैं, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे नाम शामिल है। महिला क्रिकेटर में पहली बार शामिल किया, हु हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजूबे आपको पता है दुनिया में, 7 अजूबे आपका नाम भी पता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 8वां घोषित किया गया है, वो है अंकोर वाट, है ना, पूरा एक साथ लिखा जाएगा, अंकोर वाट का टेम्पल है ये कंबोडिया में, अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। कंबोडिया आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, वियतनाम के साथ लगा हुआ देश है ये कंबोडिया, तो इसमें 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया अंकोर वाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सुना होगा 7 अजूबे। हाल ही में चर्चित प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच है। इस प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इन्हें क्या मिला है? 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है। और भारतीय मूल की एक लेखिका हैं जिनका नाम है चेतना मारू, इनका एक उपन्यास नोवल है जिसका नाम था वेस्टर्न लेन, इसको भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किसको नॉमिनेट किया गया था, इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल की है ये, भारत की नागरिक नहीं है, भारतीय मूल की है ये लेखिका, चेतना मारू का वेस्टर्न लेन इस बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था, लेकिन वो प्राइज जीत नहीं पाया। प्राइज किसने जीता है? पॉल लिंच का जो नोवल है प्रॉफिट सॉन्ग। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा हॉट कुक्ड मील स्कीम, स्कीम कौन सी है? हॉट कुक्ड मील स्कीम किस स्टेट ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील स्कीम शुरू की है, जहां पर बच्चों के लिए गर्मा गर्म खाना स्कूलों में मिड डे मील स्कीम के तहत और उससे जुड़े हुए अन्य प्रोग्राम्स के तहत बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। हाल ही में चर्चित रहा अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आसाम में, सुना होगा आपने, कामाख्या मंदिर भी आसाम में है, कामाख्या देवी को समर्पित कामाख्या मंदिर आसाम में, वहीं पे लगता है अंबुबाची मेला। नए फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन के, चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी नए बनाए गए हैं, और चर्चा में है क्योंकि ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, डेविड कैमरन, इनका नाम है डेविड कैमरन, ये ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे, क्लियर है, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था, कब? जब ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन का एग्जिट हुआ, किससे? ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ब्रेग्जिट कहा जाता है, ये चाहते थे ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ना हो,
लेकिन जो जनता ने इन्होंने जो जनमत संग्रह कराया, जो प्लेबिसाइट कराया, जनता से वोट डलवाए इस पक्ष में, तो ये हार गए कुछ परसेंटेज ऑफ वोट से। और ब्रेग्जिट करना पड़ा, मतलब जनता चाहती थी ब्रेग्जिट हो, 50% प्लस कुछ परसेंटेज वोट ज्यादा मिले, 49% वोट इनके पक्ष में थे ब्रेग्जिट ना हो, लेकिन उन्होंने एथिकल ग्राउंड पे रिजाइन कर दिया था। ये ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्हें ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपना विदेश मंत्री बनाया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत आज की बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और मशीनरी के जरिए, 3D प्रिंटिंग मशीन के जरिए आप किसी भी मॉडल को बना सकते हो। अगला, वेयर वर द कंट्रीज फर्स्ट, भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स, मैंने अभी बताया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां हो रहे हैं 2023 में, कहां कराए जा रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स? पैरा गेम्स मतलब दिव्यांगों के लिए, न्यू दिल्ली में कराए जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? आंसर है उत्तराखंड। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा? आर्टिकल 44 DPSP बहुत चर्चा में रहता है। एक देश एक कानून आपने सुना होगा, कौन सा कानून? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सिविल मतलब पर्सनल, कोड मतलब लॉ। पर्सनल लॉ में क्या आते हैं? शादी और तलाक के कानून, मैरिज और डाइवोर्स के कानून। दूसरा, प्रॉपर्टी के सक्सेशन के कानून, संपत्ति का उत्तराधिकार कैसे शिफ्ट होगा अगली पीढ़ियों में। और तीसरा, बच्चा गोद लेने के कानून, राइट टू एडॉप्शन, एडॉप्शन के कानून। ये तीन कानून आते हैं यूसीसी में। ये एक देश एक कानून की चर्चा आपको पता है बहुत दिन से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, यूसीसी लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, आर्टिकल 44 DPSP का ये कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। और भारत का एक राज्य है गोवा जिसमें यूसीसी लागू है। तो बहुत सारे जगह पे आपको, बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल्स पे जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वहां पे लिखा होगा पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला नहीं, ये पहला राज्य नहीं है, पहला राज्य ऑलरेडी क्या है? गोवा है। तो बनेगा कौन? सेकंड राज्य बनेगा उत्तराखंड, क्योंकि आपको पता होगा गुजरात और उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बनाई थी। तो उत्तराखंड सरकार इस कमेटी की रिकमेंडेशन को मानने जा रही है, तो समान नागरिक संहिता लागू करेगी, उत्तराखंड राज्य जो है दूसरा राज्य बन जाएगा गोवा के बाद। अगला, हाल ही में चर्चित है हेमिस महोत्सव, हेमिस फेस्टिवल, बहुत फेमस फेस्टिवल है, कहां का? लद्दाख का। और ये क्यों? और दूसरा इसका जुड़ा हुआ फैक्ट क्या है? हेमिस हाई नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। हेमिस हाई नेशनल पार्क भी लद्दाख में है और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। हाल ही में गुजरात की राजकीय मछली स्टेट फिश किसको बना दिया गया है? गुजरात की स्टेट फिश को घोल फिश, घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश बनाया गया। अगला, सिलक्यारा सुरंग आपने सुना होगा, सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट का नाम लिख दे रहा हूं, उत्तराखंड में आपको पता है चारधाम प्रोजेक्ट कहां पे? उत्तराखंड में, जिसमें हमारे मजदूर वहां पे फंस गए थे सिलक्यारा टनल में, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया भारत सरकार के प्रयासों द्वारा, भारत सरकार की जो है संस्थाओं के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा उन्हें सारे मजदूरों को सुरक्षित इससे बाहर निकाला गया। ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? चार धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों को एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, चार धाम प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत है? तो एक और प्रोजेक्ट है 2016 में शुरू किया गया, भारत माला प्रोजेक्ट, इस भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत है ये चार धाम प्रोजेक्ट, सिलक्यारा टनल का नाम है। अगला, भारत का पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां बनाया जा रहा है? तो कहां पे? दामोह में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दामोह में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक किया जा रहा है, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक करके एक भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है दामोह में, मध्य प्रदेश में। अगला, और मध्य प्रदेश ही भारत में क्या है? टाइगर स्टेट है। टाइगर स्टेट का मतलब है जहां सबसे ज्यादा संख्या में टाइगर पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 95 मेंबर बना है IESA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कब बना? 2015 में। कौन सी COP? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 21वीं COP, जो कहां हुई थी? पेरिस में हुई थी, और इसमें पेरिस क्लाइमेट डील को, पेरिस जलवायु समझौते को साइन किया गया था। वहीं पर इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर क्या शुरू किया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन,
दोनों के बीच के जो देश हैं उनमें सोलर एनर्जी के पोटेंशियल को बढ़ावा देना, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया। चिली इसका 95वां देश बन गया है, इसमें शामिल होने वाला। हरेली फेस्टिवल बहुत फेमस है, किसका? छत्तीसगढ़ का है हरेली फेस्टिवल। अगला, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसको मिला है? निकारागुआ की है टेनिस पेलासिको, टेनिस पेलासिको को निकारागुआ। निकारागुआ किसका है? नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, पनामा, निकारागुआ, कोस्टरिका, है ना, ये सारे देश। यूनाइटेड नेशन के ऑडिटर पैनल में नया उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? भारत के कैग हैं ये, सीएजी, कंट्रोल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू जी हैं ये, कैग हैं भारत के, इनको बनाया गया। अगला, व्हाइट हाइड्रोजन का सबसे बड़ा डिपॉजिट कहाँ मिला है? फ्रांस में मिला है। कहाँ पे मिला है व्हाइट हाइड्रोजन का सबसे बड़ा डिपॉजिट? फ्रांस में। अगला, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक क्षेत्र, जो एशिया पैसिफिक के देश हैं, एशियन, एशिया में पैसिफिक ओशियन के आसपास के जो देश हैं वो सारे देश, इसका भारत मेंबर नहीं है, ध्यान रखना है, एपेक का। इसका शिखर सम्मेलन हर साल होता है, 2023 का कहाँ हुआ है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ है। तो जो पैसिफिक ओशियन है उसके सरकम पे स्थित देश, उसके किनारे पे स्थित देशों का समूह है एपेक। यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसमें किसे शामिल किया गया है? ग्वालियर को और कोझीकोड को भैया शामिल कर दिया गया है यूनेस्को के। कोझीकोड को लिटरेचर के लिए शामिल किया गया है, क्लियर है। ग्वालियर को म्यूजिक के लिए शामिल किया गया है। तो अलग अलग फिर 7 कैटेगरी होती है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। इससे पहले भारत का जयपुर है ना, हैदराबाद है, बनारस है, चेन्नई है, ये पहले से शामिल है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। 7 श्रेणियाँ होती हैं, 7 अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे लिटरेचर है, जैसे म्यूजिक है ना, जैसे खान पान है जो उससे संबंधित है ना, तो 7 ऐसी होती हैं, जैसे सिनेमा है। तो यूनेस्को इसकी, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी इसको निकालती है। 2 को शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में पहली बार टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? टाइम आउट मतलब समय से विकेट गिरने के बाद दूसरा प्लेयर समय पे पहुंच नहीं पाया। ये वर्ल्ड कप की बात थी, आपको पता होगा बहुत विवाद हुआ था इस बात पे। श्रीलंका का खिलाड़ी है एंजेलो मैथ्यूज, ये समय पर मैदान में नहीं पहुंच पाए, आउट होने के बाद एक खिलाड़ी आउट हुआ, ये नहीं पहुंच पाए, तो अंपायर ने इन्हें टाइम आउट दे दिया, आउट हो गए, आउट कर दिया गया लेट पहुंचने पे। 2024 के लिए भारत किस संगठन का अध्यक्ष बन गया है भैया? इंटरनेशनल चाइनीज नहीं है, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल चीनी अलाइंस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल चीनी अलाइंस है ना, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। चीनी मतलब सुगर। विश्व का पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड कैसे मिला है? सलमान रुश्दी को मिला, ये बहुत फेमस राइटर हैं, आपको पता होगा, सलमान रुश्दी को मिला। हाल ही में चर्चित विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन, पहली जो चिकनगुनिया बीमारी है उससे संबंधित विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन, उसका नाम है IXCHIQ, किसने विकसित किया? फ्रांस ने विकसित किया। 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा, पहले पे मैंने बता दिया कौन सा था, महाराष्ट्र कहां हुए थे? गोवा में हुए थे। कोर्टिंग इंडिया है ना, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर किसकी पुस्तक है? नंदिनी दास की पुस्तक है। अगला, अबू धाबी जो ग्रांड प्रिक्स हुई है 2023 का, उसका खिताब किसने दिया है, जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड के हैं। अगला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे सेकेंड होम ऑफ एशियाटिक लैंड बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट कौन सा? लाइन एट दी रेट 2047, कौन सी सेंचुरी है? वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, क्लियर। आपको पता है एशियाटिक लाइन कहां पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है, और यहीं पर एकमात्र एशियाटिक लाइन यहीं पर पाए जाते हैं भारत में। अब इनको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है, रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इनका दूसरा एक साइट में आपको बता दे रहा हूं, जहां पे चीते लाए गए हैं उसका नाम है कूनो पालपुर नेशनल पार्क,
मध्य प्रदेश। इसमें लाए गए हैं कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीते लाए गए हैं। यहीं पर इन एशियाटिक लाइंस को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एशियाटिक लाइंस को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा और कहां पे, वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात को पाए कहां जाते हैं, गिर फॉरेस्ट गुजरात में। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, मेलानी थियरी फ्रांस को मिला है। विश्व का पहला एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ, ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ कौन बना है, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब किसी कंपनी का जो सीईओ बनाया गया है वो एआई ह्यूमनाइड रोबोट को बनाया गया है, उसका नाम है माइका। हाल ही में एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कब बनाया गया था 1985 में, इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी 1984 में उनके जब असैसिनेशन हो गया था, हत्या हो गई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को और स्ट्रांग करने के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया गया था, सिक्योरिटी ग्रुप, जिसका नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। देखा होगा आपने प्रधानमंत्री के साथ जो उनके कमांडो सिक्योरिटी चलती है वो एसपीजी के ही लोग होते हैं। तो इसके नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है, आलोक शर्मा, आईपीएस आलोक शर्मा को इसका नया डायरेक्टर बनाया गया है। 1985 में बना था एसपीजी। 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, इन दोनों को मिला है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेस जो है एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मिला है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति, साउथ अमेरिका का देश, लियोनल मेसी आप जानते ही हो यहीं के हैं, फुटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, चिली अर्जेंटीना, तो साउथ अमेरिका का ये देश है। नए राष्ट्रपति बने जेवियर मिलेई। अगला, हु हैज बीन मेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, फिक्की भारत का एक क्या है, प्रेशर ग्रुप है, किसके फील्ड में काम करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की है एक CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सुना होगा, एक एसोचैम है, ये तीनों प्रेशर ग्रुप्स हैं भारतीय इंडस्ट्री के। प्रेशर ग्रुप मतलब जैसे एनजीओ होते हैं, एसोसिएशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स। अनीश शाह को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका अभी निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, जस्टिस फातिमा बीबी, ये पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहां की थी, केरल की थी। Who is the author of the recently discussed book Kashmir Book 3 of the Partition Trilogy? ये book है, बहुत famous है, किसकी है, मनरीत सोधी सोमेश्वर, इनकी book है ये। 2023 में भारत की GDP कितने ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, हो गई है ना, तो भारत की GDP कितने ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। और भारत दुनिया का इस समय कौन सी अर्थव्यवस्था है, कितनी बड़ी, 5th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका पहले पर है, लिखा भी होगा यहां पर, ये डेटा रॉन्ग डेटा है ना, इसको लगा दिया है कंटेंट टीम ने इसको, ये गलत डेटा है, मैं लिख देता हूं यहां पर, भारत दुनिया की सबसे बड़ी GDP अमेरिका है, लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर की GDP है उसकी। दूसरे नंबर पर चाइना है, लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर की GDP है। तीसरे नंबर पे जापान है, लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP है। और चौथे नंबर पर, जापान के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, चौथे नंबर पर जर्मनी है, लगभग 4.29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसकी। और पांचवें नंबर पे इंडिया, और अगले 2 से 3 साल में इंडिया, भारत हमारा देश, दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, 2027 तक कंफर्म बन जाएगा, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। GDP क्या होती है, ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बताया है, किसी भी देश की बाउंड्री में होने वाले टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू, टोटल गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन की वैल्यू एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में GDP कहलाती है। अगला, बीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट, बीपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, IPR के क्षेत्र में काम करने वाला यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। IPR आप समझते हो, मैंने कई बार डिस्कस किया, पेटेंट, कॉपीराइट, GI टैग,
ट्रेडमार्क, ये सब क्या होते हैं? आईपीआर होते हैं। इनके प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में, इनके रूल्स रेगुलेशन को बढ़ावा देने के लिए बीपो काम करता है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के रूप में। ये क्या बता क्या निकालता है? रिपोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2022। और इसमें ये बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा 2022 में किसने पेटेंट के आवेदन किए, वो देश कौन सा है? चाइना। इसका मतलब चाइना में सबसे ज्यादा पेटेंट के आवेदन किए जा रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है उस 2022 में, सबसे ज्यादा वहां पे स्टार्टअप डेवलप हो रहे होंगे, इनोवेशन हो रहे होंगे। पेटेंट का मतलब यही होता है, नई चीज पे पेटेंट लेना, नई चीज का डिस्कवरी करना। हाल ही में बिरसा मुंडा जयंती, बिरसा मुंडा बहुत फेमस ट्राइबल नेता है, आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ते हो, मुंडा विद्रोह इन्हीं की लीडरशिप में हुआ था, है ना, बहुत फेमस आदिवासी नेता रहे अंग्रेजों के टाइम में। बिरसा मुंडा जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। पीवीटीजी मिशन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो आदिवासियों में, ट्राइब्स में भी सबसे ज्यादा पिछड़ी ट्राइब्स हैं, उनको पीवीटीजी कहा जाता है। इंडिया में टोटल पीवीटीजी इस समय 75 है और सबसे ज्यादा जन इनकी पीवीटीजी की संख्या कहाँ है? उड़ीसा में है। क्लियर है? सुना होगा डोगरिया कोंध, उड़ीसा की फेमस पीवीटीजी है। क्लियर है? तो ये मिशन पीवीटीजी के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल आदिवासी समुदाय हैं, उनके उत्थान के लिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने स्कीम शुरू की थी इस साल के बजट में। और ये कहाँ से, कौन लॉन्च की है सर, प्रधानमंत्री जी ने कहाँ लॉन्च की है? उलिहातू जगह का नाम है, झारखंड में। अगला, भारत दुनिया का पहला AI सेफ्टी समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा है ना, AI सेफ्टी या AI सिक्योरिटी समिट, AI सुरक्षा सम्मेलन कहां पे हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है, पहला AI पे सुरक्षा सम्मेलन हुआ है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट आई है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में डेथ जहां पे हुई है वो स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्लियर? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026, अगला, 2022 में हुआ था कतर में, अभी कतर में हुआ था, अब 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? मेक्सिको, कनाडा और USA, नॉर्थ अमेरिका में होगा, ये तीन देश करेंगे। वैलोन डियोर पुरस्कार, ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वेस्ट फुटबॉल, फुटबॉल का वेस्ट पुरस्कार है ये, और इसके लिए किसको मिला है? लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉल खिलाड़ी। IQ एयर एक स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, IQ एयर, एयर का क्वालिटी इंडेक्स निकालती है कि कितनी शुद्ध हवा है। इसने नवंबर 2023 की रैंकिंग जारी की, इसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा आया है? दिल्ली आया है। बंगाल की खाड़ी में अभी तूफान आया था जिसका नाम था मिदली, ट्रॉपिकल साइक्लोन था, पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, पढ़ाया है मैंने, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसका नाम किसने कहा, लिखल नाम किसने दिया आपको पता है? इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में और अरब सागर में आने वाले तूफानों का, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम कौन देता है? तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इधर से शुरू होते हैं, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, हमारा देश, श्रीलंका, मालदीव, इधर आ जाओ तो ओमान, ईरान और पाकिस्तान, ये देश मिलके तय करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलता है। इस बार ये नाम किसने दिया? मालदीव ने दिया। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट आई है 2023 की, टीवी ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित, सबसे ज्यादा अधिक 2022 में टीवी के मामले कहाँ आए हैं? हमारे देश भारत में आए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसका एक रीजन ये भी है। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किन देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया? FATF क्या करती है? FATF दुनिया की एक संस्था है जिसमें इंडिया मेंबर है इसका, जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को जो सफेद करने की जो इलीगल कोशिश होती है, उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है और आतंकवादी गतिविधियों में होने वाली फंडिंग को रोकने का काम करती है, टेरर फंडिंग को रोकती है। ये संस्था दो लिस्ट निकालती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट से किसको बाहर कर दिया है? तो एक देश है अल्बानिया, एक है केमन आइलैंड, एक जॉर्डन और एक पनामा है, इनको बाहर कर दिया। क्लियर है? हु हैज रिसेंटली बीन मेड द वाइस
प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन बने। अगला, अपना स्वयं का सैटेलाइट क्यूब सेट SSAMU सेट SAT ये लॉन्च किया, पूरा नाम है क्यूब सेट है, छोटा सा सैटेलाइट है, नाम है SSAMU सेट। लॉन्च करने वाला भारत का पहली यूनिवर्सिटी कौन बन गई? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। हाल ही में चर्चित वज्र प्रहार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में। हाल ही में किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर, पश्चिम बंगाल जाना जाता है किस क्रिकेटर के लिए? दादा द बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली। रोजर फेडरल जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस के प्लेयर हैं, इनको हराकर सबसे ज्यादा सातवीं बार ATP फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। टेनिस में सबसे ज्यादा ATP फाइनल्स जीतने का खिताब। हाल ही में S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको हमने कहां से लिया है? रशिया से खरीदा है। ना दुश्मन की मिसाइल से रक्षा करने के लिए जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। इसका नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया है? सुदर्शन रख दिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में ICC ने किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? श्रीलंका, आपने पता होगा श्रीलंका जब वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो वहां की सरकार ने उनके बोर्ड को भंग कर दिया, उसके बाद ICC ने श्रीलंका के बोर्ड की सदस्यता खत्म कर दी। निशार मिशन स्पेस का मिशन है, 2024 में जाएगा। इसरो और नासा मिलकर लॉन्च करेंगे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर मिशन रडार, ये मिशन है निशार मिशन, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। इंडिया US का पहला ज्वाइंट मिशन है, ये फर्स्ट ज्वाइंट मिशन है इसरो का और नासा का। निशार मिशन 2024 में लॉन्च होगा। ये व्यापारियों की मोनोपोली एकाधिकार को तोड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री किसान भाई योजना, प्रधानमंत्री किसान भाई योजना। हाल ही में चर्चित रहा ऑस्ट्रा हिंद 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब इंडिया, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच है। किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, है ना, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों में अपने चाइल्ड राइट्स, अपने अधिकार चाइल्ड राइट्स के प्रति अवेयरनेस को, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको खत्म करने के लिए किल स्विच, सेल का नाम क्या है, कोशिका का नाम क्या है, किल स्विच कोशिकाओं का विकास किया है, नाम है USA। कौन रिसेंटली MD बना है SBI का, नाम है विनय एम टोनसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक, गेलेफू कहां पर है? भूटान में। कोकराझार कहां पर है? आसाम में। कोकराझार आसाम में रेलवे डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, कोकराझार आसाम से कहां तक? भूटान के गेलफू तक, तो इंडिया भूटान के बीच है। जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा, वाटर मैनेजमेंट, जल जीवन मिशन सुना होगा आपने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है जल दिवाली अभियान, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है कि जल को कैसे कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए। विश्व का सबसे पुराना है गुनुंग पडांग पिरामिड कहां खोजा गया है? जावा इंडोनेशिया, सुना होगा जावा एंड सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, इसी जावा आइलैंड इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसी जावा आइलैंड पे इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता स्थित है, बाली जो सिटी है वहां का वहीं यहीं पे स्थित है। अब तो बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी, कैलिनमंटम करके कुछ नाम है उसका। किस भारतीय शास्त्री को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार मिला है? बीना अग्रवाल, इकोनॉमिस्ट है इंडिया की, उनको मिला है। विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर है, अंडर वाटर पानी के अंदर जाएगा, घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा, उसका नाम है ट्राइडेंट, किसका देश का है? चाइना का है। हाल ही में संबलपुर उड़ीसा का एक बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट,
उसमें नए भारत के नए शिक्षा अभियान, नया नए भारत के लिए नया शिक्षा अभियान किसने शुरू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है नए भारत के लिए, विकसित भारत के लिए नया शिक्षा अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोग्राम है। हाल ही में किस राज्य की बेरीनाग चाय को, बेरीनाग चाय किस राज्य की जीआई टैग मिला है? उत्तराखंड। जीआई टैग आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, आईपीआर में आता है, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क जीआई टैग ये सब। भारत द्वारा हाल ही में विकसित धान की नई किस्म, भारत द्वारा, भारत की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिसको कहते हैं पूषा रोड पर स्थित है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंडियन राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, ये संस्थान है पूषा रोड पर, इंडियन राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। इसने क्या, चावल की एक नई प्रजाति को डेवलप किया जिसका नाम है पूषा। पूषा जिस जब भी लगे तो समझ लेना वो चावल से संबंधित कोई प्रजाति होगी। IGI एयरपोर्ट के द्वारा अदृश्य विकलांग व्यक्तियों, ऐसे दिव्यांग, ऐसे विकलांग लोग जो देख भी नहीं सकते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसका नाम है सनफ्लावर प्रोग्राम। सूरजमुखी, सनफ्लावर नाम नहीं है, उसका नाम क्या है, कन्वर्ट नहीं करना है इसको इंग्लिश में, इसका नाम ही है सूरजमुखी कार्यक्रम, सूरजमुखी प्रोग्राम लॉन्च किया। हाल ही में किस क्रिकेटर ने वनडे में 50 शतक पूरे किए? आपको पता है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, विराट कोहली बराबरी कर ली है, तोड़ दिया, शायद तोड़ दिया है ना। किस कंपनी ने भारत का पहला LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित एक ट्रक है जिसका नाम है AVTR 1922 लॉन्च किया है? भारत की फेमस ट्रक कंपनी अशोक लेलैंड। हाल ही में लग्जमबर्ग यूरोप का एक छोटा सा देश है, लग्जमबर्ग फ्रांस के, जर्मनी के और नीदरलैंड के बीच में है लग्जमबर्ग, उसके राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? लुक फ्राइडेन। हाल ही में बहुत फेमस नोवेल है फायर वर्ड, उसके लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन है, बहुत चर्चित नोवेल था ये फायर वर्ड। माउंट एवरेस्ट के पास नेपाल में, इसे सागर माथा कहते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ये ज्योग्राफी में पूरा पढ़ाया मैंने। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, सागर माथा कहते हैं इसे, नेपाल में स्थित है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है ये। इसके पास से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली दुनिया की महिला कौन बनी है? दुनिया की पहली महिला बनी है शीतल महाजन। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है कि वो 1 TB की स्पीड वाला इंटरनेट देगा। आपने अभी क्या सुना है, 4G 5G है ना, ये 1 TB की स्पीड आपने सुना होगा, MBPS है ना, फिर GBPS गीगाबाइट, फिर ये टेरावाइट की स्पीड से, तो 1 TB की स्पीड से इंटरनेट लॉन्च करने वाला, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च करने वाला देश चाइना। लॉन्च किया है, प्रैक्टिकली वो अप्लाई कर पाएगा ये बात की बात है, देखना है, झूठ भी तो बहुत बोलता है चाइना। हाल ही में स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेड्रो सैंचेज। कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो ट्रिटी ऑफ यूरोपियन आर्म फोर्स, ट्रिटी है यूरोपियन फोर्स, आर्म फोर्स जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके बीच, ऑब्वियसली आपको पता है यूरोप में रसिया यूक्रेन चल रहा है, तो रसिया इससे बाहर हो गया। भारत सरकार द्वारा सस्ती कीमतों पे, बहुत ही लो कॉस्ट पे लोगों के लिए आटा प्रोवाइड कराने के लिए, गेहूं और आटा प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? भारत आटा पहल। सुना होगा आपने, भारत आटा लॉन्च किया था भारत सरकार ने। हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? कि ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिए, ग्लोबल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, अकेलापन, लोनलीनेस, जो शहरों में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, शहरों की सबसे खतरनाक बीमारी है डिप्रेशन, लोनलीनेस। तो WHO ने दुनिया के लिए अवेयर किया है कि भैया आप इसकी ओर भी ध्यान दें, लोनलीनेस का जो बीमारी है, जिसको हम, जिसको समाज और जिसको कंट्री जो हैं या दुनिया की बड़ी बड़ी हेल्थ के फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं इस बीमारी को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, इसको मानती नहीं कि लोनलीनेस एक बीमारी होती है, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण है। तो WHO ने दुनिया भर को ये चेताया है, वार्निंग दी है कि इस बीमारी को के लिए भी आप सोचिए, लोनलीनेस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्वास्थ्य खतरा है। तो ये हमारी करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के संबंध में जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये पूरी नवंबर की करंट अफेयर्स हो गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट
95 क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके अलावा मैंने अदर इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आपके साथ डिस्कस की। आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए आपको मिली होगी और आपका नवंबर का करंट अफेयर क्लियर हो गया इससे। थैंक यू वेरी मच।